बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी की इस क्लास में खुश आमदेद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक क्लिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला हो सकता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ आर कंजेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। बेसिकली ये क्वेश्चन पिछले जो लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था उसकी जनरलाइजेशन है। उसमें था द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजेक्टिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स यानी थ्री फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये उसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर रहे हैं, और ये आज इस चैप्टर का या इस सीरीज का जो है वो लास्ट लेक्चर है। डिविजिबिलिटी के टॉपिक का आज आखिरी लेक्चर है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, उस लेक्चर में हमने तीन नेचुरल कंजेक्टिव नेचुरल नंबर कुछ इस तरह लिए थे। एक था एन, दूसरा था एन माइनस वन और एन माइनस टू। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करते हैं और क्लियर करते हैं कि हम जब हमने आर कंजेक्टिव नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं। अब इसको अगर आप देखें तो पहला जो है नेचुरल नंबर है एन है, दूसरा है उसमें से एक माइनस वन किया, और तीसरा एन माइनस टू है। तो यहाँ अगर एन माइनस टू के बजाय मैं ये लिख लूँ थ्री माइनस वन, तो बात एक ही है, यानी टोटल हमारे पास नंबर्स हैं थ्री, तो लास्ट वाला क्या आ जाता है एन माइनस थ्री माइनस वन। अगर फर्ज करें मुझे यहाँ कंजेक्टिव नेचुरल नंबर चाहिए हों पाँच, तो मैं लूँगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर, ये पाँच हो गए। और अब इसको मैं लिख सकता हूँ पाँचवें को एन माइनस फाइव माइनस वन, ठीक है जी। फोर को मैंने क्या कर दिया फाइव, यानी जो लास्ट मेरे पास नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो टोटल तादाद है एन माइनस, और टोटल हमारे पास चूंकि पांच है तो फाइव माइनस वन। अगर मुझे टोटल हंड्रेड लेने हो तो क्या होगा, एन एन माइनस वन सो ऑन टू लास्ट क्या आएगा एन माइनस हंड्रेड माइनस वन, ठीक है जी। लेकिन थ्री लेने थे तो लास्ट में था थ्री माइनस वन, फाइव लेने थे तो लास्ट में था फाइव माइनस वन। अब अगर हंड्रेड मुझे टोटल नंबर लेने हैं तो लास्ट वाला क्या होगा हंड्रेड माइनस वन। क्यों ले रहे हैं हंड्रेड माइनस वन, हंड्रेड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि एक एन है, यानी बेसिकली एन को हम एन माइनस जीरो भी कह सकते हैं। तो एन की जगह एन, तो जीरो से लेके हंड्रेड तक टोटल जो अगर हंड्रेड लेंगे तो हमारे पास वन जीरो वन हो जाएंगे। आप ये एन माइनस नाइनटी नाइन ले रहे हैं, यानी तो नाइनटी नाइन वो हो गया और एक वो एन वाला। तो अगर इसके लिए मुझे आर चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू सो ऑन टू एन, और टोटल अब यहाँ पे मुझे चाहिए थे 100, तो मैंने क्या किया 100 माइनस वन, यहाँ 5 चाहिए थे मैंने किया 5 माइनस वन, यहाँ 3 चाहिए थे मुझे तो मैंने ले लिया 3 माइनस वन, यहाँ r चाहिए तो क्या लूंगा r माइनस वन। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ r कंजेक्टिव नेचुरल नंबर, और बाकी प्रोसीजर वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लें, कि बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरह होगा। अब देखें इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। लेट p इज इक्वल टू n n माइनस वन n माइनस टू सो ऑन टू n माइनस r माइनस वन। अब ये r माइनस वन ये सारा कैसे हमने लिया, ये हम मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये प्रोडक्ट है ऑफ आर कंजेक्टिव इंटीजर या कंजेक्टिव नेचुरल नंबर। अब मुझे शो करना है कि ये जो है वो डिविजिबल है R फैक्टोरियल के, तो मैं P ओवर R फैक्टोरियल करके सिंपलीफाई करके देख लेता हूं। Now we have to show that R फैक्टोरियल divides P, for this P ओवर R फैक्टोरियल, तो वो जो P था वो सारा लिख दिया divided by R फैक्टोरियल। अब मुझे इसको फैक्टोरियल बनाना है, इस सारे को मुझे क्या करना है फैक्टोरियल बनाना है। तो फैक्टोरियल बनाने के लिए मैंने जिस तरह पहले बताया आपको, अगर सिक्स हो फाइव हो फोर हो और इसको मैंने फैक्टोरियल बनाना हो, इससे पिछले वाले जितने नंबर रहते हैं वो सारे यहां लिख दूंगा थ्री टू वन, यानी थ्री टू वन से मल्टीप्लाई किया तो थ्री टू वन से ये डिवाइड भी करना हो। अब मुझे इससे पिछले वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे चाहिए,
अब इससे पिछला नंबर कौन सा होगा, पिछला नंबर कैसे निकालते हैं, यहाँ फोर था तो फोर से पिछला नंबर उसमें से एक माइनस किया थ्री, फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू हुआ, तो यहाँ भी मुझे एक माइनस करना है। इसमें से जब मैं एक माइनस करूंगा एन माइनस आर माइनस वन में से माइनस वन करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एन माइनस आर इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस वन, और ये माइनस अपनी जगह पे, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एन माइनस आर आ जाएगा। तो यानी इससे पिछला जो नंबर है मेरे पास एन माइनस आर है, फिर इसी तरह इसको कंटिन्यू करूंगा कहाँ तक, वन थ्री टू वन तक, इस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करवा दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये देखिए एन माइनस आर सो ऑन टू वन, मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दी। अब ये वन से लेके एन तक ये सारे कंजेक्टिव नेचुरल नंबर हैं, वन टू एन, तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर से लेके वन तक सारे कंजेक्टिव नंबर हैं, तो ये बन जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये सारा क्या बन जाएगा मेरे पास, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, और ये फार्मूला है ncr का, तो ये बन जाएगा ncr। और ये क्या होता है बाइनोमियल का, ये हमेशा एक इंटीजर होता है, लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मैं कहूंगा कि सिंस बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर NCR is a positive integer, ठीक है जी, क्योंकि binomial coefficient हमेशा एक positive integer होता है, तो NCR भी ये क्या होगा, positive integer होगा। अगर ये positive integer है तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ is equal to for k, where k belongs to z, तो मेरे पास क्या आ जाएगा p over r factorial is equal to k, ठीक है जी। NCR की जगह मैंने क्या कर दिया, k कर दिया, और उसके बाद ये बन जाएगा p is equal to r factorial k। अब अगर a b को डिवाइड करता हो, इफ a डिवाइड b, तो फिर मैं इसको लिखता हूं b इज इक्वल टू a k, अगर b की जगह मैं p कर दूं, ठीक है जी, b की जगह p और a की जगह मैं r फैक्टोरियल कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा p इज इक्वल टू r फैक्टोरियल k। तो क्या किया है, b की जगह मैंने क्या किया था p और a की जगह r फैक्टोरियल, तो क्या बन गया r फैक्टोरियल डिवाइड्स p, तो इसका मतलब है इसको मैं इस अगले स्टेप में लिख सकता हूं r फैक्टोरियल डिवाइड्स p, यानी p इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल या प्रोडक्ट ऑफ r कंजेक्टिव इंटीजर और नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल, यानी r फैक्टोरियल डिवाइड्स n n minus 2 so on to n minus r minus 1, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ r कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो ये था जी हमारा पहला चैप्टर डिविजिबिलिटी, जिसको हमने 19 लेक्चर्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया, कवर किया, हर लेक्चर के अंदर एक एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल मैनर में और स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई चीज फिर भी आपको मसला है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट्स करें, जरूर मैं उसका रिप्लाई करूंगा इन डिटेल। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।